नमस्कार साथियों, आज हम लोग हैलोजन के ऑक्सो अम्ल या ऑक्सी अम्ल आप कह सकते हैं, तो हैलोजन के ऑक्सो अम्ल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं क्या है, किस तरीके से किसके हैलोजन में अधिक ऑक्सो अम्ल पाए जाते हैं या किस में कम पाए जाते हैं, कौन सा ऑक्सो अम्ल बनाता है ना। तो आइए देखते हैं हैलोजन। पहले तो आप ये जानिए कि हैलोजन किस ग्रुप को कहते हैं। तो आप जान रहे हैं ग्रुप 17 में जो एलिमेंट आपको ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक, ये एस्टाटाइन, और यहाँ आपको एक ये एलवी क्या, यहाँ तो आपको देखने को मिल जाएगा वो टीएस है ना, टीएस मिलेगा जिसे आप टीनोसिन कहते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन और टीनोसिन ये मिलेगा। एलवी जो है वो तो ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो ये टीनोसिन आप जानते रहिए। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन और ये टीनोसिन होता है, इसी को आप हैलोजन कहते हैं। और हैलोजन का मतलब क्या है जान रहे हैं? देखिए हैलोजन का तात्पर्य होता है, जैसे देखिए हैलोजन का तात्पर्य, हैलोजन किसे कहेंगे, यानी ऐसे एलिमेंट जो एटमॉस्फियर में सूर्य से जो ये सन से जो प्रकाश आ रही है, प्रकाश को एब्जॉर्ब करके कुछ वह कलर शो करे, है ना, कलर रंग शो करे, रंग दिखाए, तो ऐसे ही तत्वों को हम क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। ठीक, तो देखते हैं, देखिए कुछ पॉइंट देख लीजिए, ये एनसीईआरटी बुक से है। देखिए उच्च विद्युत ऋणात्मकता तथा छोटे आकार के कारण फ्लोरीन एकमात्र ऑक्सो अम्ल केवल यह बनाती है। फ्लोरीन का देखिए यहाँ केवल एक ही आपको ऑक्सो अम्ल दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है पूरे आवर्त सारणी में सर्वाधिक है। ठीक, तो उच्च विद्युत ऋणात्मकता कारण और साथ ही साथ छोटा आकार इसका होता है इसलिए। ठीक, तो ये जानकारी आप रखिए। और देखिए जो फ्लोरिक वन का तात्पर्य क्या है जान रहे हैं, जैसे देखें, जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है। तो अगर आप ऑक्सीजन का यहाँ चेक करें, ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें, तो क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अधिक विद्युत ऋणी है, तो यहाँ तो नेगेटिव आ गया, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आ गया, लेकिन यहाँ फ्लोरीन जो है अधिक विद्युत ऋणी है, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो प्लस माइनस तो यहाँ वैसे ही क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, है ना। यानी यहाँ अगर ऑक्सीजन का चेक करेंगे तो ओवरऑल जीरो आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, और फ्लोरीन पर क्या आ गया, देखें -1, कहीं भी फ्लोरीन रहेगा उसका तो -1 होना ही है, तो ये वही 1 लिखा गया है, जानते रहिए ऑक्सीडेशन नंबर। और वैसे ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो प्लस माइनस में लिखा जाता है, तो यहाँ बस एक संकेतक के रूप में दिखाया गया है। फ्लोरिक वन अम्ल या हाइपोफ्लोरस अम्ल भी इसे कहते हैं, इसी को आप क्या कहेंगे, हाइपोफ्लोरस अम्ल कहते हैं। देखिए अन्य हैलोजन अनेक ऑक्सो अम्ल बनाते हैं, जैसे यहाँ देखें और भी हैलोजन, जैसे क्लोरीन के देखिए ये बना रहे हैं, ब्रोमीन के भी देखें यहाँ बना रहे हैं, आयोडीन के भी बना रहे हैं, जिनमें से अधिकांश शुद्ध रूप में पृथक नहीं किए जा सकते, शुद्ध रूप में इसको अलग नहीं किया जा सकता। ऑक्सो अम्ल केवल जलीय विलयन में, ऑक्सो अम्ल केवल जलीय विलयन में अथवा लवण के रूप में ही अस्थाई है, या तो जल में आप उसको घोले रहें तब अस्थाई है, या साल्ट के फार्म में अस्थाई है, और वैसे अगर आप इसको रखेंगे तो वो अस्थाई नहीं है, वो क्या होगा, अपघटित हो जाएगा। ठीक, देखिए हैलोजन के ऑक्सो अम्ल यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, देखिए यहाँ फ्लोरीन के, इसमें आपको फ्लोरीन के दिख रहे होंगे, और यहाँ सेकंड वाले में देखें जो आपका ये है
इसमें क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल हैं और इसमें ब्रोमीन के हैं और ये लास्ट वाले में आयोडीन के हैं। ठीक, तो केवल ये याद रखिए कि फ्लोरीन का केवल एक ही ऑक्सो अम्ल है और उसको आप क्या कहेंगे, हाइपोफ्लोरस अम्ल। देखिए जब बहुत ज़्यादा कम, यानी हम कह सकते हैं कि बहुत कम, ठीक, बहुत कम ऑक्सीडेशन नंबर अगर रहता है तो उसको आप हाइपो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहीं ऑक्सीजन का खुद देखिए, ऑक्सीजन का तो बहुत ही कम है, जीरो है अभी हम लोग देखे थे, तो ऑक्सीजन में हर जगह तो हाइपो। अब क्लोरीन जुड़ जाएगा तो हाइपोक्लोरस हो गया, ब्रोमीन जुड़ गया तो हाइपोब्रोमस हो गया, और आयोडीन जुड़ गया तो हाइपो आयोडस अम्ल हो गया। ठीक, अब यहाँ ज़रा देखिए सेकंड रो में केवल आपके क्लोरीन का ही मिल रहा है जिसे आप हैलस अम्ल कहते हैं। देखिए क्या है, इसी को आप लिख सकते हैं HOClO आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसी को दिखा सकते हैं HClO2। ठीक, HClO2। अब यहाँ देखिए सेंटर में कौन है ना, HClO2 में सेंटर में कौन है, तो चेक करिए, देखिए सेंटर में यहाँ पर कौन है, क्लोरीन, सेंटर में कौन है, क्लोरीन। अब आप इससे जोड़िए, क्या जोड़ना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो एक तो ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से जोड़ लीजिए। अच्छा यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर ज़रा समझें, क्योंकि पहले ऐसे समझें ज़्यादा समझ में आएगा। इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7 हो गया। तो अब डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, डबल बॉन्डेड, यहाँ भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहीं पर कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन जुड़ा है। तो अच्छा अब ये आप सोचें कि यहाँ से अगर आप चेक भी करें, देखें यहाँ से अगर आप चेक करें, यहाँ से अगर आप चेक करते हैं तो ध्यान देंगे कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अगर डायरेक्ट अगर आप क्लोरीन से जोड़ देते हैं हाइड्रोजन, तो ये तो हाइड्रोजन फिर मिलेगा नहीं, अतः ऐसी स्ट्रक्चर तो बन नहीं सकती, अर्थात बनाएंगे भी तो इस तरीके से, यानी ओ से तभी एच जोड़ेंगे तभी एच मिलेगा और एसिड तभी कहलाएगा, है ना। और वैसे आप एसिड कह नहीं सकते, डायरेक्ट अगर आप जोड़ देंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे, देखिए ये तो करेक्ट है, अगर ऐसा बना देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ एच जोड़कर अगर आप डबल बॉन्डेड यहाँ जोड़ दें और डबल बॉन्डेड यहाँ जोड़ दें और लोन पेयर आप ऐसे रख दें, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एच मिलेगा नहीं और एसिड कहा नहीं जाएगा, इसलिए ये स्ट्रक्चर गलत है और ये सही है। ठीक, तो इस तरीके से आप जानते रहें कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी अगर आपको ये ऑक्सो अम्ल देखने को मिले, तो आप जान लीजिए जैसे कोई हैलोजन, चाहे क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, या ब्रोमीन हो, कुछ भी हो, तो आपको तो ये तो डबल बॉन्डेड ओ और ये ओ एच, इनमें से तो निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। अब आप कहेंगे कि एच ओ एफ में नहीं मिला, ओ में आपने कहा कि ओ एच मिल गया और एफ मिला, लेकिन डबल बॉन्ड ओ नहीं मिला, तो यहाँ देखें एक ग्रुप तो मिला हुआ है ना, एक ग्रुप मिला हुआ है और ये वैसे भी एक ही केवल बनाता है, और अगर बनाता तो फिर डबल बॉन्ड ओ भी आ जाता। ठीक है, तो इसको आप ज़रा समझें, यहाँ जैसे देखें, अब वैसे भी यहाँ क्या केवल डायरेक्ट एच जुड़ा है, ई एफ से डायरेक्ट एच ही जुड़ा है, ओ एच जो है, ज़रा देखें, ध्यान दें, हम किसकी बात कर रहे हैं, एच ओ एफ की बात कर रहे हैं, तो फ्लोरीन ये पहला जो केवल एक ही बनाता है, तो देखिए एफ से ओ एच जुड़ा है, ओ एच, तो और तो है ही नहीं, ओ इसके पास बनाता ही नहीं, तो केवल ओ एच ग्रुप है, जबकि अन्य में आपको डबल बॉन्डेड ओ भी मिलेंगे। ठीक, ये थोड़ा सा
याद रखेंगे। तो देखिए, अब जैसे ये तो आप इसको कह देंगे क्या, हाँ ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल दीजिए। जैसे यहाँ देखें डबल बॉन्डेड ओ ओ एच, ठीक। अब इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे तो प्लस थ्री आएगा। कैसे, तीन बार तो यहाँ ऑक्सीजन खींच लिया, क्योंकि दो बार इधर हुआ डबल बॉन्डेड और एक बार यहाँ, तो दो एक तीन, इसलिए प्लस थ्री। और प्लस थ्री के कारण ही इसका जब नामकरण कर रहे हैं तो अंत में अस लगा रहे हैं, है ना, क्लोरस अम्ली से आप कहेंगे, क्या कहेंगे, क्लोरस, क्लोरस एसिड। अब ये याद रखिए कि अस क्यों लगाए हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका प्लस थ्री है, कम है। कब इक लगाएंगे, ध्यान दीजिए, जब ऑक्सीडेशन नंबर अधिक आए। जैसे आपको देखने को मिल सकता है यहाँ नेक्स्ट वाले में, देखिए जस्ट इसी के बाद एग्जांपल है, समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे HClO3 में आप चेक करें, इसी को आप या करके लिख सकते हैं HOClO2, यहाँ नीचे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। या करके आप इसको दिखा सकते हैं HOClO2, ठीक, ये भी लिख सकते हैं, यानी इस तरीके से एक ओ आप इधर लिख दिए हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि ओ एच ग्रुप है ना। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर ज़रा चेक करें, HClO3 लिख सकते हैं या HOClO2, ठीक। देखिए ये ओ एच तो आप बना ही लीजिए, डबल बॉन्डेड ओ भी। अब कितने ओ बच रहे हैं, दो तो हो गए, एक और बचा, तो एक और बचा तो बस डबल बॉन्डेड ओ आप जोड़ दीजिए, और लोन पेयर है तो आप ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर बना दीजिए लोन पेयर को। तो देखिए कितना हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर इस क्लोरीन का, दो बार तो यहाँ हुआ, दो बार ऑक्सीजन खींचा तो माइनस दो यहाँ आ गया, इसके ऊपर प्लस दो, अभी साथ में लिख देंगे क्लोरीन का, तो यहाँ माइनस दो और यहाँ माइनस वन हुआ, लेकिन इधर हाइड्रोजन से जब लेगा तो माइनस टू हो जाएगा, ठीक, हाइड्रोजन से लेगा जब, हाइड्रोजन का प्लस वन। और इस क्लोरीन का कितना हो गया ज़रा देखें, क्लोरीन का चेक करेंगे तो दो दो चार एक पाँच, यानी प्लस फाइव। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपको प्लस फाइव मिले, प्लस फाइव मिले या प्लस सिक्स मिले, यानी प्लस फाइव से अधिक अगर मिल रहा है, ठीक है, प्लस फाइव से अधिक मिल रहा है, तब आप इक लगाएंगे, ठीक है। इक देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर अभी आपने इसी का तो देखा है, तो यहाँ देखिए क्लोरिक आपने यहाँ लगाया हुआ है ना, क्लोरिक अम्ल, तो ये याद रखें। ऐसे इसमें देखें ब्रोमीन में भी बस वही स्थान चेंज हो जाएगा, क्लोरीन का उसी के स्थान ब्रोमीन आ जाएगा, तो ब्रोमिक अम्ल हो गया, नेक्स्ट आयोडिक अम्ल हो गया, ठीक, आयोडिक अम्ल हो गया। जब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा कम रहे तब वहाँ पर आप हाइपो लगाते हैं, है ना, हाइपो लगाते हैं, और जब अधिक रहे, है ना, अधिक, अब जैसे यहाँ पर देखिए पर लगेगा, अधिक के लिए पर और कम के लिए हाइपो, ये याद रखिए। अब जैसे देखिए एच ओ, इसका चेक करिए, HOClO3, इसी को आप लिख सकते थे HClO4, लिख सकते थे आप इसको, है ना, ऑक्सीजन यहाँ एक साथ आप काउंट कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप लिख कह सकते हैं। अब देखिए अगर क्लोरीन इसका स्ट्रक्चर बनाए HClO4 का, देखिए Cl को तो मिडल में रखिए, और जो ये बातें फिक्स हैं कि आप OH तो लिखेंगे ही लिखेंगे, डबल बॉन्ड O भी बनाएंगे। अब कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं, दो तो बना लिए, अभी दो और बच रहा है, तो फिर आप डबल बॉन्डेड ओ करके जोड़ दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं क्लोरीन के बाहर क्या होगा, सात होता है, तो सात बन भी गए होंगे। देखिए दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, चार, दो दो चार, दो छः, और एक यहाँ से, तो सात इलेक्ट्रॉन हैं, वो सब बॉन्ड बनाने में ये सब लग गए, ठीक है, सब बॉन्ड बना रहे हैं। तो अभी क्लोरीन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें तो दो दो चार, दो छः, एक सात, यानी प्लस सेवन हो गया, ठीक, बहुत अधिक हो गया, प्लस सेवन हो गया, तो इसीलिए पर यहाँ आप लगाएंगे, पर क्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब ब्रोमीन देखें, यहाँ ब्रोमीन वाले में यहाँ HBr
इसी को आप लिख सकते हैं क्या, एच बी आर ओ फोर। और यहाँ भी ब्रोमीन का देखेंगे प्लस से बनाएगा, तो इसे भी पर ब्रोमिक एसिड कहेंगे। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ एच इसका चेक करिए, आप इसको कह सकते हैं एच ओ आई ओ थ्री कह सकते हैं, या साथ में अगर आप इसको पूरा ऑक्सीजन ले लें तो कह सकते हैं एच आई ओ फोर। ठीक एच आई ओ फोर कह सकते हैं, और इसी को आप पर आयोडिक अम्ल कहेंगे। क्यों? क्योंकि आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस सेवन, तो पर आयोडिक अम्ल आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका हाइलोजन का ऑक्सी अम्ल हुए, और इनके स्ट्रक्चर यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक तो स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, और वैसे स्ट्रक्चर अभी आप को हम बताए भी थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट हम लोग अगला टॉपिक लेंगे। थैंक्स।